एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने PIA के बदकिस्मत तैयारे के मलबे पर मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। जराए के मुताबिक गुज़िश्ता माह 22 मई को मॉडल कॉलोनी जेना गार्डन की रिहायशी आबादी पर गिरकर तबाह होने वाला एयरबस 320 सानिया तैयारे के मलबे पर पाकिस्तानी तहकीकती इदारे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज कर दिया। जराए के मुताबिक AIB तैयारे के डायग्राम के जरिए बारीक बीनी से तकनीकी तौर पर तहकीक की जा रही है। कराची एयरपोर्ट के सामने PIA के तैयारे के तबाहशुदा मलबे को जहाज के असल डिजाइन के मुताबिक डायग्राम की शक्ल दी जा रही है। तबाहशुदा तैयारे के मलबे को एयरबस 320 की शक्ल के मुताबिक डायग्राम की शक्ल दी जाएगी। जराए के मुताबिक तहकीकती इदारे की जानिब से तैयारे के तबाहशुदा इंजन और परों की खसूसी जाँच की जा रही है। बदकिस्मत तैयारे के इंजन को रनवे पर लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान रगड़ लगी थी, जिसकी वजह से इंजन में चिंगारियां भी निकली थी और बाद एजा कप्तान की टावर से होने वाली गुफ्तगू में जहाज के इंजन बंद होने का कहा गया था। जराए के मुताबिक फ्रांस में ब्लैक बॉक्स के डिकोड होने और डायग्राम की तरतीब के बाद तहकीकात की इब्तदाई रिपोर्ट रवा माह के आखिर में मंजरेआम पर आने के इम्कान हैं। दूसरी जानब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA तैयारा हादसे के मकाम पर खसूसी स्प्रे मुहिम शुरू कर दी। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक मॉडल कॉलोनी जिना गार्डन पर PIA के जाय हादसा के मकाम की रिहायशी आबादी की गलियों में जुमेरात के सुबह से स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया, जो कई रोज तक जारी रहेगा।